This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवार का दिन, यानी 14 मार्च 2022। मैं और मेरी साथी निशा हाजिर हो गए हैं लेकर ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। आसिफाबाद कोर्ट में खुला पॉक्सो अदालत, कल कागज नगर करेंट ऑफिस में कोर्ट, केरा मेरी में कुश्ती अखाड़ा, आसिफाबाद को म्युनिसिपैलिटी बनाने की मांग, केसीआर में सेना कंटेंटमेंट को आड़े हाथों लिया, लोक अदालत में 450 मामले क्लियर। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल जिला केंद्र आसिफाबाद में चीफ जस्टिस के लक्ष्मण जी का आना हुआ। समाज में बहुत से बच्चों के ऊपर काफी जोर जबरदस्ती होती है, उन्हें मारपीट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय कानून के तहत बच्चों को मानसिक तनाव, मारपीट और यौन उत्पीड़न से बचने के लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया। इसका पूरा मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हाल ही में ये बात देखी गई है कि इस इलाके में पॉक्सो से जुड़े मामलों में तेजी आई है। मंचरियाल में 220, आसिफाबाद में 135, निर्मल में 112 और आदिराबाद में 165 केस पॉक्सो के तहत दर्ज किए गए। इन मामलों की तेज सुनवाई के लिए ये कोर्ट अलग से बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब तेलंगाना अलग हुआ तब 10 जिले थे, सभी जगह जिला कोर्ट मौजूद था, लेकिन अब चूंकि 33 जिले बनने के बाद से हर जगह पर जिला कोर्ट खोलने की तैयारी की जा रही है। इन कोर्ट की तैयारी के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी हर जिले में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार कर रही है, जिसके अंदर सभी टाइप के कोर्ट रहेंगे। इस कार्यक्रम में कलेक्टर और उनकी टीम, एसपी और उनकी टीम और साथ ही कोर्ट के सभी वकील और न्यायाधीश मौजूद रहे। 15 मार्च मंगलवार को कागज नगर के करंट ऑफिस में ग्राहक सेवा कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। जिनको भी अपनी बिजली से जुड़े समस्याएं मिटाने हैं, वो इस ग्राहक कोर्ट में आकर अपनी परेशानियां बता सकते हैं। जिनको भी अपनी बिजली कनेक्शन से जुड़ी कोई डाउट है, वो आकर यहां क्लियर कर सकते हैं। ये सूचना बिजली विभाग ने जारी की है। केरा मेरी में श्री वेंकटेश्वर यात्रा चल रहा है, ऐसे में इधर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 40 लोगों ने भाग लिया है, लेकिन 10 ही लोग ऐसे हैं जो कोमरम भीम जिले के निवासी हैं, बाकी 30 लोग महाराष्ट्र से हैं। ये प्रतियोगी महाराष्ट्र के नादेड़, किनवट, भोकर और मुदखेड़ से आए हैं। काफी तादाद में जनता यहां पर इस प्रतियोगिता को देखने आ रहे हैं। ऐसी प्रतियोगिता जिले में काफी कम आयोजित होती है, जिसके कारण इसे देखने के लिए काफी लोग जमा हो रहे हैं। थैंक यू सर अध्यक्ष। सो गौरव मंत्री मुनिसिपालिटी पटनीकरण जरूरत ये रकम अभिवृद्धि चंदो वो चुनाव चाल आनंद सर मे। कल तेलंगाना विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में आसिफाबाद के विधायक आत्रम सक्कू ने आसिफाबाद को ग्राम पंचायत से अपग्रेड करके म्युनिसिपैलिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। जिला केंद्र बनने के बाद वहां सरकारी अफसरों की पोस्टिंग बड़ी मात्रा में बढ़ी है, जिससे कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत में एक सीमित इंफ्रा डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिससे कि आसिफाबाद में इंफ्रा डेवलपमेंट धीरे हो रहा है। इसे म्युनिसिपैलिटी में अपग्रेड करने से आसिफाबाद शहर में बड़ी इमारतों और दुकान खोले जा सकते हैं। साथ ही सक्कू ने आसिफाबाद के विकास के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फंड जारी करने की भी मांग रखी है। हमने बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की, अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो वहाँ करंट काट देंगे, जरूरत पड़े। कल विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री के बेटे और म्युनिसिपल मंत्री केटीआर भारतीय सेना पर फायर होते दिखाई दिए। हैदराबाद शहर में आर्मी के दो कंटेनमेंट है, जो कि एक सुरक्षित क्षेत्र होता है। अपनी सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए इन कंटेनमेंट इलाकों में सेना अपने हिसाब से फेर बदल करती है,
लेकिन ये फेरबदल और गोपनीयता केटीआर को रास नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि आर्मी वाले अपने मन मर्जी के हिसाब से कहीं नाला बना रहे, कहीं चेक डैम बना रहे, कहीं रास्ता ब्लॉक कर रहे, जिसकी वजह से हैदराबाद की जनता को परेशानी हो रही है। अगर आर्मी का रवैया ऐसा ही रहा तो उन्होंने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिए है कि तुरंत आर्मी कंटेनमेंट में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी जाए। आर्मी वाले एक पैसे की सहायता तो करते नहीं, उल्टा मुंह उठाकर केसीआर के पास आर्थिक मदद मांगने आ जाते हैं, ऐसा केटीआर ने कहा। इस भाषण के बाद विरोधी दलों ने उन्हें काफी आड़े हाथों लिया। पिछले दिनों लोक अदालत में काफी लोग जमा हुए। आसिफाबाद और सिरपुर टाउन दोनों जगह के कोर्ट में लोक अदालत लगाई गई थी। एक रिपोर्ट अनुसार पूरे जिले में लोक अदालत के द्वारा एक ही दिन में 458 मामले क्लियर किए गए। इसमें फाइनेंस, चिटफंड, बिजली कनेक्शन, एट्रोसिटी केस जैसे छोटे मोटे मामले शामिल थे। अगली बार लोक अदालत बैठाने के पहले सूचना दी जाएगी। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों, परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।